अन अकेडमी। बेढंगी आपकी दुनिया का, हम ढंग बदलने निकले हैं और कॉपी किताब पेन लेकर और इंटरनेट से हम आपका रंग बदलने निकले हैं, आपके जीवन का रंग बदल देंगे और रंगों से बनता है इंद्रधनुष। हम लेकर आए अन अकेडमी इंद्रधनुष चैनल। आजकल यूट्यूब पे भी एक रिवॉल्यूशन की फिर से जरूरत है। अब सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, बच्चों में पढ़ाई के लिए जोश भरना, उन्हें ये बताना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन्हें यह हिम्मत देना कि तेरा कल अच्छा होगा। मैं एक चीज कहता हूं कि ऐसा कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद पेड़ों पे पत्तियां ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहर को चीरते हुए अपने पते पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। तो डर किस बात का है, हिम्मत तो करो, हम आसमान छू सकते हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो सब्सक्राइब करें अन अकेडमी इंद्रधनुष को और पहुंचे अपनी मंजिल तक। हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इबादत लिखेंगे। तो आगे मैं एक बार संभालता हूँ, फिर आगे जैसे आगे टीचर्स क्वांट के बारे में बात करें तो देखो यार, अभी आप सभी के ना मेजर, अभी आपने प्री भी दिया, अभी दो मेंस जो थे वो भी हो गए, तीसरा मेंस अब आगे आ रहा है। और दो मेंस जिन बच्चों ने दिए, मैं उनको कहूँगा अभी उनको पूरी तरह नहीं पता मेंस का, क्योंकि अभी जो मेंस हुए हैं वो साल के सबसे आसान वाले मेंस हुए हैं, और आपको देख के फील भी हो गया होगा जिन्होंने पेपर दिया कि काफ़ी ईजी पेपर आए हुए थे। और ठीक है, थोड़ा सा आपको भी अच्छे से तैयार किया जा रहा है, धीरे धीरे से लेवल बढ़ेगा। अभी जब आगे IBPS PO का मेंस आएगा, इन सब मेंस से ऊपर SBI क्लर्क का मेंस, फिर IBPS PO का मेंस, फिर SBI PO का मेंस, प्रॉपर लेवल वाइज चल रहा है आप सभी का। तो आपका ठीक है, अच्छे से बिल्डिंग हो रही है कॉन्सेप्ट की, ऐसे ही आगे आपने बढ़ाते जाना है। मेन बात है कि अवेयरनेस हो गई है स्टूडेंट्स की, बट वो काउंट अभी थोड़ा कम है जिनको पता है कि मेंस की तैयारी को प्रायोरिटी पे रखना है। प्री को ठीक है, आप हाथ मत छोड़ो प्री का, उसको लेके चलना है साथ साथ, मॉक टेस्ट लगाते रहो साथ साथ, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो, थोड़ा बहुत काम करते रहो, बट हाँ मेन आपने जो चलना है जिस रास्ते पे, वो मेंस के रास्ते पे चलना है। और जिनको समझ आ गया उनकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, RRB PO क्लर्क मेंस दोनों अच्छे हुए हैं उनके, तो इस चीज को, इस समझ को रखो, अच्छे हाई लेवल वाली DI करते रहो, अरिथमेटिक पे पूरा काम करते रहो, मेंस लेवल जो कॉन्टेंट है थोड़ा मुश्किल वाला कॉन्टेंट है उसकी आदत बनाओ। मेन बात हो गया, अभी क्या है कि काफी टाइम प्री पढ़ा है, प्री पढ़ा है लगातार, 3-4 प्री दिए हैं आपने अभी, तो प्री पढ़ पढ़ के ना हमारा दिमाग उसी हिसाब से उसी फॉर्मेट में सोचना शुरू कर देता है, और ये सबके साथ होता है, इवन टीचर्स के साथ भी होता है। हम टीचर्स भी लगातार अगर 2-3 महीने प्री पढ़ा दें और मेंस को एकदम से शुरू करें, तो शुरू शुरू में एक बार हाथ हमारा भी रुकता है, वो बस ठीक है, फिर हमारा 2 दिन के अंदर अंदर फिर वापस फ्लो बन जाता है। तो आपको भी वही फ्लो बनाना है, ज्यादा ज्यादा मेंस को टाइम देते हुए फ्लो बनाओ, और वो फ्लो बना रहेगा ना तो जब मेंस के पेपर में बैठोगे तो आपको इजी लगेगा। मेन बात है आपको बाकी स्टूडेंट से इजी लगना चाहिए पेपर, तो मेंस लेवल कंटेंट पे काम करते रहो। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।